कमजोर वो है जो बीच बीच में चिल्लाएगा बौखलाएगा। जल गया है हम चार जून बिल्कुल भी और सारे भाग जाएंगे कार्टून अपनी आप देखिएगा चार जून भाग जाएंगे कार्टून देख लीजिएगा। भाटी जी भाटी जी भाटी जी उत्तर दे दीजिए यादव परिवार के बाहर का अध्यक्ष क्यों नहीं मिला ये अनफेयर हो रहा है। भाटी जी आपके 40 सेकंड आप बोलिए। उत्तर प्रदेश की टोटल पॉपुलेशन 26 करोड़ उसमें मेरे भाई बता रहे हैं 18 करोड़ यानी 70% मुसलमान कहां से इतना ज्ञान लाते हो कमाल है भाई। देखे लेकिन ये आप लोगों को किसने ज्ञान दिया ये तुष्टिकरण का ज्ञान आपको किसने दिया ये 2009 और 2006 के भाषण भारी पड़ रहे हैं। इनके लिए तुष्टिकरण जो शब्द है जब भी न्याय की बात करो जब भी कमजोर की हिमायत की बात करो जब भी अन्याय के विरोध की बात करो उसे तुष्टिकरण कहते हैं। पर इस देश में क्या एक ही वर्ग कमजोर है सच्चा नहीं एक क्यों है दलित भी है एससी भी है एसटी भी है माइनॉरिटी तो भी जा रहा है ओबीसी भी है लाइन में सबसे पीछे वही है और जनरल कास्ट का 10% जो ईडब्ल्यूएस मिल रहा है वो भी तो पीड़ित है तो फिर ओबीसी का आरक्षण हम समर्थन क्यों करना चाहते हैं अगर सरकार आएगी तो। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट क्या गैर संवैधानिक थी क्या सच्चर कमेटी किसी दूसरे देश में बनाई थी भारत की सरकार फिर बीच में चिल्लाओ यूपीए में लागू क्यों नहीं हुई जब समाजवादी पार्टी समर्थन दे रही थी ये सवाल पूछा जाएगा कि नहीं। इनके पास जा रहा हूँ इनका सवाल है बोली खड़े होके सवाल पूछिए। आप फर्स्ट टाइम वोटर तो ये एलिगेशन लगाते ना कि 10 साल से कुछ काम नहीं किया तो एज अ यंग वोटर आई वांट टू आस्क व्हाट कैन वी एक्सेप्ट इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट फ्रॉम योर पार्टी इफ इट विंस। अच्छा मतलब इकोनॉमिक ग्रोथ क्या लेकर आएंगे आप आज जीत कर आएंगे। ओके क्या सवाल सर विपक्ष बोलती है कि क्या बोलते हैं उनके पास वो याद करो सर विपक्ष बोलती है कि क्या बोलते उनके पास पहले तो प्रधानमंत्री के लिए कोई चेहरा नहीं है अभी इसी डिबेट में विपक्ष ने आपस में ही बोल दिया ये पार्टी अलग है मेरी पार्टी अलग है हम कैसे भरोसा करके इनको वोट दे बताइए। ओके 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 ठीक है ओके ये सामने एक बैठे हुए हैं वकील हैं आप। सर माय क्वेश्चन इज फॉर बीजेपी कि सर बीजेपी अपने वादे निभाती है ये कहती है लेकिन अभी उन्होंने क्या कहते हैं सिक्किम को और मणिपुर और जो क्या कहते हैं हमारे कुश्ती के भाई बहन थे कुश्ती उनके ऊपर कुछ नहीं कहा बिना कांग्रेस की बातें गिनाए बीजेपी का स्टैंड क्या है हैं उनको क्लियर कर देना चाहता हूं कि नरेंद्र मोदी जी जब देश के प्रधानमंत्री बने तो इकोनॉमी के मामले में भारत 10वें नंबर पे था आज चौथे नंबर पे है और 5 साल के अंदर भारत जो है तीसरे नंबर पे आने वाला है 5 साल के अंदर भारत जो है तीसरे नंबर पे आने वाला है पर कैपिटा इनकम जो है भारत का ग्रो किया है शेयर मार्केट जो है भारत का ग्रो कर रहा है और तो इन मुद्दों पे रहिए हिंदू मुसलमान क्यों देखिए आप लोग आरोप क्यों लगाते हैं कि तुष्टिकरण करते हैं विपक्ष की गलती है और विपक्ष जो है हिंदू मुसलमान पे लेके जाता है जब राम मंदिर का निर्माण होता है क्या अखिलेश यादव हिंदू मुसलमान अखिलेश यादव कर रहे हैं क्या अखिलेश यादव हिंदू मुसलमान कर रहे हैं तेजस्वी यादव हिंदू मुसलमान कर रहे हैं लालू यादव हिंदू मुसलमान कर रहे हैं शिवपाल यादव मुसलमान कर रहे हैं ये राहुल गांधी कर रहे हैं। जब 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 राम मंदिर का निर्माण हो रहा था तो तेजस्वी यादव जी अस्पताल ढूंढ रहे थे और उस समय बिहार के वो स्वास्थ्य मंत्री थे और बिहार में ही उनको अच्छा अस्पताल नहीं दिख रहा था। जरा सोचिए अखिलेश यादव जी को आना चाहिए था राम मंदिर का निर्माण हो रहा था निर्माण हुआ शिलान्यास हुआ सब कुछ हुआ वहां पे अखिलेश यादव जी को आना चाहिए था नहीं आए तो ये विपक्ष जो है तुष्टिकरण की राजनीति करती है और क्लास में जो सबसे फेलियर बच्चा होता है गलती कर देने के बाद जो है रोना शुरू कर देता है कि सर मुझे माफ कर दीजिए सर मुझे माफ कर दीजिए हर बार क्लास पे क्यों अटक जाते हैं आप क्लास फेल पे क्यों अटक जाते हैं हर बार। देखिए ये सच्चाई है कि बिहार में अगर इन लोगों की सरकार आ गई और 9वां क्लास से ज्यादा पढ़ लिए तो आपको जेल में डाल दिया जाएगा इन लोगों की सच्चाई है या तो सुनिए सुनिए मैं एक मिनट क्लियर कर देना चाहता हूं बिहार में अगर जंगल राज के राजकुमार जी की सरकार अगर आ गई गलती से आएगी नहीं लेकिन अगर आ गई तो उन लोगों का सोच है कि 9वां क्लास से ज्यादा पढ़े लिखे सभी लोगों को या तो बाहर भेज दिया जाएगा और अगर बिहार में रह के वो बिहार के लिए आवाज उठाएंगे तो उनको जेल में डाल दिया जाएगा। उदाहरण मनीष कश्यप है कोर्ट ने सारे केस में मुझे बाइज्जत बरी कर दिया है 9 महीना मेरा कौन वापस ला के देगा। कोर्ट की अगर ये लोग बात करते हैं तो कोर्ट ने मुझे बाइज्जत बरी कर दिया ये मेरा 9 महीना वापस ला के देंगे ये लोग।
बताइए कोर्ट ने मुझे बेइज्जत परी किया है। कंचन यादव, कंचन यादव से तो कतई ही नहीं लग रहा कि ये बिहार का विकास चाहते हैं। हम लगातार मांग कर रहे हैं कि बिहार के गया में और मोतिहारी में सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनाई जाए। 10 साल से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बन चुकी है, नहीं नॉलेज है, दरभंगा एम्स चालू है, गया में चालू है, दरभंगा एक मिनट मोबाइल में सर्च मारिए, गया और मोतिहारी में सेंट्रल यूनिवर्सिटी चालू हो गया है। मैडम जी नहीं पता है कि पटना, घर जाके पढ़ाई कीजिए और पढ़ाई करने के बाद यहाँ पे आइए। अभी जी कहीं आठवा तक तो आप ही नहीं है ना। अभी जी मैं धरने पर बैठ जाऊंगी, इनको चुप करा दीजिए हमारे बीच। हाँ, चुप है, चुप है, बढ़िया बढ़िया। दीदी बैठ जाओ, धरने पर बैठ जाओ। अरे नहीं नहीं नहीं, बैठिए ना। बैठ जाऊंगी मैं, ये तानाशाही चल रही है, इनके प्रधानमंत्री भी तानाशाही करते हैं, उसी का अंश दिख रहा है यहाँ पर। और आपको बता दे कि कहे तक पूर्णिया में 10 साल पहले आएंगे, अगली बार इसी एयरपोर्ट पर उतरेंगे। भैया उनको पटना उतरना पड़ा, पूर्णिया में एयरपोर्ट ही नहीं बना। आपने जो प्रॉमिस किया था 10 साल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, अगर 1% भी आप पूरा किए होते तो आज आपको मंगल सूत्र पर तो कतई बात नहीं करना पड़ता। ये शर्म की बात है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री की भाषा स्तर इतने नीचे तक गया है, और वो छिछला प्रवक्ताओं में भी दिख रहा है। देखिए ऐसा है, क्योंकि अर्थव्यवस्था की बात हुई और ये बात हुई कि मोदी जी ने क्या किया है। मैंने पहले असंभव को जो संभव किया, आर्टिकल 370 और राम मंदिर बताया। उसके अलावा जो सबसे बड़ी बात है मैं बताऊंगा, मनमोहन सिंह जी जब शपथ लेते हैं तो 10वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थी, जब वो छोड़ के गए 10 साल बाद तो भी सबसे बड़ी 10वीं अर्थव्यवस्था थी। नरेंद्र मोदी जी ने 10वीं अर्थव्यवस्था से 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना दिया 10 साल में। चौथा जो है सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज है। तीसरे नंबर पे जो है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है पूरे विश्व में आज भारत में। दूसरे नंबर पे मोबाइल जो है मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है और हमारा प्रोडक्शन है। और नंबर वन नेता है विश्व का तो नरेंद्र मोदी है, इसलिए इनको जलन होती है। वरना मैं आज एक सवाल पूछ चुका हूं, इन्होंने बताया नहीं यादव परिवार के बाहर का क्यों नहीं अध्यक्ष बनाया। दूसरा सवाल, आप हमारी सीटें छोड़ो, हम तो डंके की चोट पे कहते हैं 400+, आप अपनी सीटें क्यों नहीं बताते। अभी कह रहे 300+, कहा 300+, कौन से इंडिया अलायंस कह रहा 300+ हमारी। आपको मैं बताऊं, 300 में से 3 हटा दीजिए, 0-0 आएंगी इनकी 80 और तो फिर चुनाव देखिए, चुनाव में 0 उनकी 40 में 0। राजकुमार भाटी, सच घटे या बढ़े सच न रहे, बिल्कुल झूठ की कोई इंतहा ही नहीं। अब जब फेंकनी है तो कितनी फेंकते रहो। अब बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ छोटे मियाँ, सुभान अल्लाह, बड़े वाले जितनी फेंकते हैं उनसे तो लंबी लंबी है, दोनों फेंक रहे हैं, मियाँ तो सारे उधर हैं। हम तो सीट तो केवल 2 लोग बता सकते हैं कितने किसकी सीट आएंगे, या तो कोई ज्योतिषी बता सकता है या जिसने कहीं सेटिंग कर रखी होगी वो बता सकता है। गलत हम कह तो रहे। इतना कह सकते हैं, गलत कह रहे, एक मिनट हम तो इतना कह, ये बीच में लगातार बोलते हैं, इनकी आदत पता नहीं खराब है या इन्हें कह के भेजा जाता है कि इनकी बात मत सुनना देना, बीच में चलाते रहना। नहीं आप बोले तो परिवार में हम तो नहीं बोलते, एक शब्द नहीं बोले हम इनके बीच में। आपका अधिकार मरने नहीं देगा अमीश देवगन। देखिए सीटें कितनी आएंगी इसकी दावेदारी हम नहीं कर सकते, लेकिन हम इतना कह सकते हैं हम उत्तर प्रदेश की 80 से 80 सीटों पर बहुत मजबूती के चुनाव लड़ रहे हैं, मजबूती के साथ और मुद्दों के आधार पर जनता हमारे साथ है। कल्याण सिंह जी के गाँव में बीजेपी के बूथ अध्यक्ष कह रहे हैं, मीडिया के सामने कह रहे हैं कि कल्याण सिंह जी का गाँव है कि मैं बीजेपी का बूथ अध्यक्ष हूं, लेकिन मैंने सतीश गौतम को वोट नहीं दिया अलीगढ़ सीट पे। ये हालत इनकी हो गई है। हम कितनी सीटें जीतेंगे ये तो 4 जून को पता चलेगा, लेकिन हम बीजेपी की सरकार नहीं बनने देंगे, ये हमारा दावा है। तो सरकार, अच्छा ठीक है, सरकार बन गई, अगर आपकी सरकार बन गई तो यही सवाल है ना, सरकार बन गई, इंडिया अलायंस की सरकार बन रही है, तो प्रधानमंत्री कौन बन रहा है, अखिलेश यादव या राहुल गांधी या तेजस्वी यादव, ये सवाल या अरविंद केजरीवाल, ये सवाल आपको देश के संविधान निर्माताओं से पूछना चाहिए, संविधान विदों से पूछना चाहिए। अरे आपकी राय क्या भाई, मैं बता रहा हूं होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, मैं आपके सवाल का जवाब दे रहा हूं। इसका जवाब कौन जानना चाहता है, हाथ खड़ा करे जो जानना चाहता है, देश का अगला प्रधानमंत्री कौन होगा, कितने लोग जानना चाहते हैं। देखिए सर अमित जी, मोदी जी, अमित जी, केवल मोदी जी, मैं आपके सवाल का जवाब तो दे रहा हूं। हां 10 सेकंड 10 सेकंड। भारत का संविधान और भारत की चुनाव प्रणाली 543 सांसदों का चुनाव करती है, फिर चुनाव के बाद वो सांसद अपना नेता चुनते हैं, वो प्रधानमंत्री होता है। भारत के संविधान में आपके बोलते ही बिजली चमक गई, आप गैर संवैधानिक व्यवस्था चलाना चाहते हैं। कैसे बन गए, ओके ओके, मनीष कश्यप नेहरू जी कैसे बन गए, इंदिरा गांधी कैसे बन गई, राजीव गांधी पहले प्रत्याशी कैसे हो गए, प्रधानमंत्री के कैंडिडेट कैसे हो गए, आप ही बताइए ना, जरा बताइए। संविधान का हत्या करने वाले हत्यारे लोग जो है वो आज संविधान की दुहाई दे रहे हैं, और जब हम उस
उसको कोट कर देंगे तो कहेंगे कि हम धरना पे बैठ जा रहे हैं। जरा बताइए, ऐसे नहीं चलेगा भाई, ऐसे नहीं चलेगा। धरने पे बैठेंगे ना? जब नेहरू जी प्राइम मिनिस्टर थे तो यही उनके बाद सवाल उठता था कि आफ्टर नेहरू हूँ, इस देश ने अच्छे अच्छे प्रधानमंत्री को दिया, यहाँ पर अटल बिहारी वाजपेयी जी भी आए, यहाँ पर मनमोहन सिंह भी आए, यहाँ पर इंदिरा गांधी जी भी आए, यहाँ पर देवगौड़ा जी आए, अच्छे अच्छे प्राइम मिनिस्टर। अगर आप इस होप में बैठते हो कि नेहरू जी के बाद कोई नहीं, अगर इस होप में बैठते तो कैसे प्राइम मिनिस्टर बने? फिलहाल ये देश है हमारा। आज के एडिशन में फिलहाल इतना ही, उम्मीद है आपको कार्य